नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं सत्येंद्र सिंह और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सत्येंद्र ज्ञान संसार में। आज फ्रेंड्स, हम लिवर वर्ड्स और मासेस के बारे में स्टडी करेंगे जो कि ब्रायफाइटा के अंतर्गत आते हैं। ब्रायफाइटा का दो भागों में डिवाइड किया गया है, लिवर वर्ड्स एंड मासेस। तो देखिए, लिवर वर्ड्स की बात करते हैं तो लिवर वर्ड्स आर ग्रो, कहाँ ग्रो करते हैं? मॉइस्ट एंड सैडी हैबिटेट्स में, ठीक है, एज द बैंक ऑफ द स्ट्रीम, मार्सी ग्राउंड्स, डैम स्वाइल्स, बार्क ऑफ द ट्री एंड डीप इन दी वुड्स। ठीक है, तो ये तो हो गया हैबिटेट की कहाँ कहाँ पाए जाएंगे, ये आपको याद करना है। अब इसके बाद द प्लांट बॉडी ऑफ लिवर वर्ड्स इज थैलाइड। थैलाइड होता है जो कि मार्केंसी है, आपको याद करना है। लिवर वर्ड्स में एग्जाम्पल थैलस इज डॉर्सी वेंट्रल एंड क्लोजली अपियर्ड टू दी सबस्ट्रेट। तो उनका जो थैलस होता है, डॉर्सी वेंट्रल होता है, और आधा स्तर पर बिल्कुल चिपके होते हैं, ठीक है, क्लोजली अप्रेस्ड टू दी सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट पर ये क्लोजली, आधा स्तर पर ये क्लोजली चिपके हुए होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। द लीफी मेम्बर्स हैव टिनी लीफ लाइक अपेंडेजेस इन टू रोज ऑन द स्टीम लाइक स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या होता है, लिवर्ड वर्ड्स में आप देख पा रहे हैं कि लिवर्ड वर्ड्स में इनकी जो इनकी पत्तीदार सदस्यों में पत्तियों की तरह की छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं जो तने की तरह की संरचना पर दो कतारों में होती हैं, ठीक है, जो तने जैसी संरचना पर दो कतारों में पाई जाती हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है लिवर्ड वर्ड्स में, वो टेक प्लेस बाय द फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलाई, ठीक है, बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड गैमा, गैमी, ठीक है, और गैमा जो होता है सिंगुलर होता है। तो गैमी आर ग्रीन मल्टी सेलुलर ए सेक्सुअल बर्ड्स होती हैं, ग्रीन होती हैं, मल्टी सेलुलर होती हैं, ए सेक्सुअल बर्ड्स होती हैं, ठीक है, विच डेवलप इन स्मॉल रिसेप्टिकल्स कॉल्ड गैमा कप्स लोकेटेड ऑन द थैलाई। तो इस तरीके से जो गेमा हरी बहुकोश की अलैंगिक एक्सेक्सुअल वर्ड होती हैं, और ये छोटे छोटे पात्रों जिन्हें गेमा कप कहते हैं उन पर ये स्थित होती हैं, ठीक है। द गेमी बिकम डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड जर्मिनेट टू फॉर्म्स न्यू इंडिविजुअल, यहाँ से न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होगा। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस्ड आइदर ऑन द सेम और डिफरेंट थैलाई। द स्पोरोफाइट इज डिफ्रेंशिएटेड इंटू फूड सीटा और कैप्सूल। आफ्टर म्यूसिस स्पोर आर प्रोड्यूस विद इन कैप्सूल, दीज स्पोर जर्मिनेट टू फॉर्म्स फ्री लिविंग गैमेटोफाइट, ठीक है। तो इसके बाद क्या है कि इस तरीके से यहाँ पे जो लैंगिक जनन के दौरान जो नर और मादा लैंगिक अंग या तो उसी थैलस पर अथवा दूसरे थैलस पर बनते हैं, ठीक है, आर प्रोड्यूस आइदर ऑन द सेम और डिफरेंट थैलाई, ठीक है, या तो उसी थैलाई पर बनेंगे मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन या तो फिर दूसरे पे। तो स्पोरोफाइट में जो एक पाद फूड सीटा और कैप्सूल होता है मार्गेंशिया में, मियोसिस के बाद कैप्सूल में स्पोर बनते हैं, ठीक है, स्पोर आफ्टर मियोसिस स्पोर आर प्रोड्यूस विद इन द कैप्सूल, मियोसिस के बाद कैप्सूल में स्पोर बनते हैं, और स्पोर में स्पोर अंकुर होकर जर्मिनेट होकर क्या बनाएंगे, फ्री लिविंग गैमेटोफाइट बनाएंगे। तो गैमेटोफाइट कैसा होता है, फ्री लिविंग गैमेटोफाइट होता है, इसका ब्रायोफाइट आएगा, ठीक है। ब्रायोफाइट का गैमेटोफाइट कैसा होता है, फ्री
फ्री लिविंग गैमिटोफाइट होता है। तो एग्जांपल इसमें मार्गेंशी आपको याद करना है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे मोसिस की, ठीक है। मोसिस के बारे में अब यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो मोसिस देखिए, मोसिस क्या है? द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ मोसिस इज गैमिटोफाइट विच इज कंसिस्ट ऑफ टू स्टेज। तो जीवन चक्र की प्रभावी अवस्था युग्मोत गैमिटोफाइट होती है, जो कि दो अवस्थाओं में होती है, ठीक है। कौन कौन सी? फर्स्ट स्टेज इज प्रोटोनिमा स्टेज विच डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम ए स्पोर। जो प्रोटोनिमा स्पोर जो स्टेज होती है, तो वो जो तंतु यानी कि प्रथम तंतु जो प्रोटोनिमा है वो स्पोर से बनता है। किससे बनेगा? स्पोर से। फर्स्ट स्टेज इज प्रोटोनिमा स्टेज विच इज डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम दी स्पोर, डायरेक्टली स्पोर से डेवलप होगा, ठीक है। और इट इज ए क्रीपिंग ग्रीन ब्रांचड एंड फ्रिक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज होती है, ये चीज़ आपको याद करना होगा। द सेकेंड स्टेज की बात करते हैं। सेकेंड स्टेज लीफी स्टेज विच डेवलप्स फ्रॉम दी सेकेंडरी प्रोटोनोमा एज ए लेटरल बड। जो दूसरी अवस्था है पत्ती की तरह की होती है, जो प्रथम तंतु से पार्श्वी कली के रूप में उत्पन्न होती है, ठीक है। तो लीफी स्टेज इज विच इज डेवलप फ्रॉम दी सेकेंडरी प्रोटोनोमा एज ए लेटरल बड, ठीक है। लेटरल बड के रूप में होती है लीफी स्टेज। दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट सिलेंड्रिकल एक्सिस बियरिंग स्पायरली अरेंज्ड लीव्स, स्पायरली अरेंज्ड लीफ होती हैं इसमें। और दे आर अटैच्ड टू दी सॉइल थ्रू मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच राइजॉइड्स। दिस स्टेज बीन बियर्स सेक्स ऑर्गन्स। तो इसके बाद जो बहुकोशिकी और शाखित जो यहाँ पे राइजॉइड्स होते हैं, मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच राइजॉइड्स हैं, वो मिट्टी से जुड़ी रहती हैं, ठीक है। सॉइल थ्रो, तो अटैच टू दी सॉइल थ्रो राइजॉइड्स जो मल्टी सेलुलर ब्रांच राइजॉइड्स हैं वो यहाँ से मिट्टी से जुड़ी रहेंगी। तो दिस स्टेज बियर सेक्स ऑर्गन्स, और यहाँ इस अवस्था में लैंगिक अंग विकसित हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके आगे, मॉस में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है मॉस में बाय द फ्रेगमेंटेशन। इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होगा? बाय द फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग, फ्रेगमेंटेशन और बडिंग के थ्रू होगा इन द सेकेंडरी प्रोटोनोमा। और ये किस में होगा? सेकेंडरी प्रोटोनोमा में होगा। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्स ऑर्गन्स एंथेरेडियम और आर्चिगोनियम, जैसा कि बताया था एंथेरेडियम और आर्चिगोनियम मेल सेक्स ऑर्गन, आर्चिगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन, आर प्रोड्यूस एज द अपेक्स ऑफ द लीफी सूट्स। तो ठीक है, अपेक्स पर प्रोड्यूस होंगे ऑफ द लीफी सूट्स। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जायगोट डेवलप इंटू स्पोरोफाइट, जायगोट आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट डेवलप करेगा स्पोरोफाइट में, एंड कस्टिक कंसिस्टिंग ऑफ ए फूड सीटा कैप्सूल। और इसमें फूड सीटा, स्पोरोफाइट बताया था किसमें डिफ्रेंशिएटेड होता है, फूड सीटा और कैप्सूल में। द स्पोरोफाइट इन मॉसिस इज मोर एलेबोरेट देन इन लिवरवर्ट्स। तो जो मॉस में स्पोरोफाइट होता है लिवरवर्ट की अपेक्षा काफ़ी अधिक विकसित होता है, काफ़ी अधिक एलेबोरेट होता है मॉसिस का जो स्पोरोफाइट होता है। द कैप्सूल कंटेंस स्पोर्स, स्पोर्स आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस। तो मॉस में स्पोरोफाइट, तो कैप्सूल में स्पोर होते हैं, ठीक है। कैप्सूल कंटेंस स्पोर, कैप्सूल में स्पोर होते हैं। स्पोर आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस, और मियोसिस के बाद स्पोर बनते हैं। और द मॉसिस हैव ए स्पोर आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस, ठीक। द मॉसिस हैव एन एलेबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल। तो मियोसिस, मॉस में स्पोर विकरण की, जो स्पोर डिस्पर्सन की जो
बहुत ही विस्तृत प्रणाली पाई जाती है। ठीक है, मॉसेस हैव एलैबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर स्पोर्ट डिस्पर्जन की यहाँ पे विस्तृत प्रणाली पाई जाती है। अब इसके जो कॉमन एग्जाम्पल हैं, फ्यूनेरिया है, पॉलीट्राइकम है, स्फैग्नम है। ठीक है, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्फैग्नम, ये एग्जाम्पल आपको याद करने हैं, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्फैग्नम। तो यहाँ से आपका ब्रायफाइटा के अंतर्गत जो लिवरवर्ट और मॉस आते हैं वो या आपको यहाँ से तैयार करना है। तो इस तरीके से इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, तो आप इनको याद कर लेंगे, लिवरवर्ट और मॉसेस को। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप इसी तरीके से पढ़ते रहिए। वीडियो पसंद आया होगा तो फ्रेंड लाइक कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और जो नोटिफिकेशन बेल है, जो घंटे वाला बटन है, उसको भी दबा देंगे, जिससे हमारे द्वारा अपलोड की वीडियो आप सबसे पहले देख पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।